नमस्कार, आप सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं राजीव महिंद्रा सभी का वेलकम करता हूं। और जैसा कि आज दिन है थर्सडे और शाम को 7:30 बजे होता है स्टैटिक का धमासान, ओके, तो भाई आज तैयार रहो। आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, थोड़ा सा दिमाग खर्च ज़्यादा होगा। तो भाई एक काम कर दो, जल्दी से सेशन को जहाँ तक हो सके, जिस मीडियम तक हो सके, एक बार सेशन को जरा दबा के शेयर कर दो जल्दी से भाई लोगों के। और भाई जो भी जुड़े उन सभी को भाई गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, सत श्री अकाल। बिल्कुल देख ले भाई कौन 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 ऐड है। भाई मनदीपा मंडल जी, नेहा खरे, उसके बाद वैभव बरी, सपन सोमल, सभी को भाई गुड इवनिंग, शुभ संध्या। वीक में 2 बार मुलाकात होती है उनके लिए जिनके लिए स्टैटिक की बात हो रही है, ओके। तो आज के सेशन में बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैंने वादा किया है, जो मैं ये सेशन स्टार्ट किया हूँ, 2500 सेशन जब पूरा होगा ना, तो आप देखोगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिनको हम छोड़ पाएंगे, इग्नोर कर पाएंगे, ओके। तो भाई एक बार जल्दी से सेशन को दबा के लाइक कर दो भाई सभी लोग, जिस मीडियम पे आप बेटा। हाँ वैभव, आज की मॉर्निंग की क्लास नहीं हो पाई, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माई साइड, बट टुमारो क्लास योर होगी, एकदम गारंटी, लॉक कर दो। बिल्कुल, तो भाई सभी लोगों को गुड इवनिंग, ओके। और मुझे बताओ जल्दी से जो मेरा स्लोगन है, #selection2021 लिख के कि यस आप रेडी हो चुके हैं इस गेम शो में। बहुत जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से भाई सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को। मधु बेटा, आरोही, प्रतीक, कुंदन, श्यांतली मुखर्जी बेटा, सभी को शुभ संध्या, राधे राधे। मुझे बताओ आप रेडी हो कि नहीं, जल्दी से। बहुत ही शानदार प्रगति बेटा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को। और जो लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को बहुत ही प्यार से, बहुत प्यार से लाइक भी कर दो, और बहुत प्यार से जहां जहां हो सके छोटा सा काम कर दो, जल्दी से क्या कर दो, शेयर कर दो, ओके। और तैयार हो जाओ, दिमाग की बत्ती खुलेगी। अभी मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन और आपको उसका देना है आंसर, ठीक है। यह स्टार्टिंग बूस्टर है थोड़ा सा, नहीं जैसे हम वार्म अप करते हैं मैच में, तो वार्म अप का ये पहला क्वेश्चन, ओके। बताइए आंसर इसका, तैयार हो जाओ जल्दी से। एक स्टेट हमारा हो गया बिहार, एक हमारा हो गया गोवा और एक हमारा हो गया गुजरात। मुझे जरा जल्दी से बता दो, इन तीनों ही राज्यों में जो नेशनल पार्क हैं उनके नाम क्या हैं। जरूरी नहीं कि आप सारा बता पाओ, आपको इन तीन राज्यों के कम एक एक नेशनल पार्क तो बताने ही चाहिए। यह है दिमाग का स्टार्टर बूस्टर, याद हो चुका। मुझे बताओ जरा जल्दी से बेटा, सभी लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। नेहा जी कह रही 10,000 प्रतिशत बेटा, बिल्कुल रेडी हो जाओ। जिवेश जी बिल्कुल, मैं काम कर लिया हूं आज, मैं हो सकता हूं ग्रुप में मैं पीडीएफ भी डाल दूं ईसीजीसी के लिए, डू नॉट वरी, सभी में यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं गारंटी। बिहार, गोवा और गुजरात में जितने भी नेशनल पार्क हैं उसमें से कोई भी आपको बताना है एक नेशनल पार्क, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। बड़ा ही आसान क्वेश्चन मैंने शुरुआत की है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो लोगों ने आंसर देना स्टार्ट भी कर दिया, देखो नाम ही है जीके स्टार्टिंग बूस्टर, थोड़ा वार्म अप कर ले। अच्छा देखो लोग ही बहुत टैलेंटेड हैं दोस्त, बहुत ही टैलेंटेड, भाई राधे कृष्णा क्या बोलूं, बहुत टैलेंटेड है, वही चूज किए हैं जो बस बहुत आसान है। बिहार में एक ही है तो आंसर भी तो एक ही होगा, वाल्मीकि। गोवा में भी एक ही है, गोवा में भी एक ही है, याद रखना। बहुत ही शानदार बेटा, आरोही वेरी नाइस बेटा, श्याम, नेहा खरे, अभिषेक सेनगुप्ता, कुंदन बेटा वेरी नाइस, बहुत ही शानदार सारे मेंबर। यानी लग रहा है कि दिमाग की बत्ती खुल चुकी है, यानी जब उन लोग नहीं, मेन अभी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उसे थोड़ा सा एकदम एक्टिव हो जाओ सभी लोग जल्दी से, ओके। अब जना मैं हेल्प कर देता हूं भाई, मेरी जिम्मेदारी आपकी हेल्प करने की है, तो ये रहा देखिए हेल्प, समझ के बड़ा प्यारा सा, मैंने सारे ऑलरेडी करवा भी चुके हैं, ठीक है, भूलिएगा नहीं, भूलोगे तो सोच लेना। बिहार में भाई एक ही है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, एक ही है। गोवा में भी दोस्त याद रखना सिर्फ एक ही है जिसका नाम है मोलेम, याद रखना। आप किसी एग्जाम को देते हो
डजंट मैटर आप बैंक देते हो, आप रेलवे देते हो, आप एसएससी देते हो, आप यूपीएससी का सीसेट प्री देते हो, आपको स्टेट लेवल एग्जामिनेशन देते हो, सभी में याद रखना स्टैटिक का बेटा बहुत बड़ा रोल है, इसको कभी कम मत आंकना दोस्त, ठीक है। और गुजरात में बहुत सारे हैं, एक हमारा ब्लैकबक हो गया, एक हमारा मैरिन नेशनल पार्क हो गया, एक हमारा बहुत फेमस गिर फॉरेस्ट हो गया, और एक हमारा क्या हो गया, वंसदा हो गया, यानी कि दीज आर द, ये हो गया हमारा आज का बेटा, दिमाग की बत्ती खुल चुकी है सभी लोगों की, ओके। तो तैयार हो जाओ। ओ बेटा अभिषेक सेन गुप्ता जी, इनको ऐड कर दो भाई, कोई लोग भी टेलीग्राम ग्रुप में लिंक भी आ जाएगा, आप सर्च करो @RajivMahendraGA, क्या सर्च करोगे, RajivMahendraGA, और उस ग्रुप में चुपचाप बहुत प्यार से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए मिशन स्टार्ट, और ये रहा पहला क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार, मुंह मीठा होगा आपका। बेटा शिवानी शर्मा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग शिवी भाई, आप सभी लोगों को शुभ संध्या, जो लोग अभी बाद में जुड़े उन सभी को भाई गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग यार, बहुत कम लोग लाइव हैं, शेयर को सेशन कर दो भाई, वीक में दो ही बार आता है एक्चुअली, तो बहुत को पता ही नहीं रहता है, मॉर्निंग में सभी को पता रहता है लेकिन शाम का किसी को पता ही नहीं रहता है। आप चाहोगे तो यह सेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा, आप नहीं चाहोगे नहीं पहुंचेगा, जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे उतना ज़्यादा होगा कॉम्पिटिशन। मुझे बताओ जरा जल्दी से, भारत में निम्नलिखित शहर में किस, कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव मनाया जाता है, मुंबई, चेन्नई, कोचीन और नई दिल्ली, व्हाट इज द बेटर राइट आंसर भाई। गौरव जी राधे राधे, बोलो बाके बिहारी की जय, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। देखो आंसर आने स्टार्ट हो गए और आंसर बड़ा यूनिक है, शुरुआत ही मैंने की है आज मैंगो से, याद रखना अंतर्राष्ट्रीय एक फेस्टिवल होता है आम पर, जो कि होता है हर साल दिल्ली में, जिसमें कहा गया है कि अगर बात हो गर्मी की और गर्मी में अगर बात हो मैंगोस की, तो बिना मैंगो बिना आम के तो भाई गर्मी पूरा ही नहीं हो सकता है, यही हमारा भारत है, याद रखना। जो हमारे देश के मैंगो हैं वो बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है बेटा, बहुत ही शानदार राधे राधे, मजा आ गया। चलो अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट गिवन टू लिटरेचर फील्ड, इनमें से कौन सा ऐसा पुरस्कार है दोस्त जो साहित्य क्षेत्र को नहीं दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार नाम से ही लग रहा, मान बुकर प्राइज पुरस्कार नाम से ही लग रहा, सरस्वती सम्मान पुरस्कार विद्या की देवी सरस्वती नाम से ही लग रहा, या धन्वंतरी अवार्ड, तो याद रखना जो मेडिकल के क्षेत्र में अवार्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं धन्वंतरी देवी, याद रखना दोस्तों यह मेडिकल के क्षेत्र में है, यह मेडिकल में है, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। मुझे बताओ जरा जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड एज ए सिविलियन कौन सा अवार्ड है उसका नाम क्या, मुझे बताओ जरा जल्दी से, बहुत ही शानदार। 50 लोग देख रहे हैं, 50 और जोड़ दो, फिर 50 और जोड़ दो, जितने ज्यादा होंगे उतना मजा ज्यादा आएगा, उतनी मेहनत मेरी यूटिलाइज होगी। बहुत ही शानदार, बिल्कुल सही बोला, देश का सबसे बड़ा सम्मान उसको कहते हैं भारत रत्न। आगे चलते हैं नेक्स्ट वन, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, धन्वंतरी। अगला डोडोमा, बड़ा ही प्यारी जगह है, डोडोमा इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, देखिए जरा भाई बाजुओं में एकदम है कि नहीं। बेटा किरण मीना जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल द मेंबर। बेटा परमजीत सिंह बिल्कुल, आप अगर SBI में काम करते हैं वेरी नाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, और भाई जिनका भी आज फर्स्ट क्लास है एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है @RajivMahendraGA, उस पर जरूर जुड़िए, और जो भी डाउट है वहां पे डालिए। बहुत ही शानदार, तो बहुत लोगों का आंसर आ भी गया, बहुत लोगों ने कहा जो डोडोमा है वो कहाँ की कैपिटल है, दोस्तों बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन,
आज मुझे देखना है कि हौसलों में कितना दम है और आउट ऑफ 45 आपके मार्क्स कितने आते हैं, ये मुझे आज देखना है। अच्छा, बहुत लोगों ने कह दिया तंजानिया इज द राइट आंसर। चलो ठीक है, अगर आपने कहा तो सही कहा होगा, अगर आपने कहा दोस्तों तो बिल्कुल सही कहा होगा। अब मुझे एक और बता दो, जरा जल्दी से मुझे बताओ, ट्यूनीसिया, मुझे बताओ सोमालिया, और मुझे बताओ जरा जल्दी से कि नाइजीरिया की कैपिटल क्या है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, आपने तंजानिया बता दिया, लालच बुरी बला है। अब मुझे बताओ जल्दी से, ट्यूनीसिया, सोमालिया, नाइजीरिया, इन तीनों कंट्रियों की कैपिटल क्या है, मुझे बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से। बहुत ही शानदार बेटा, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। बहुत ही शानदार, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। देखो भाई, लिंक मिल रही सभी लोगों को, राजीव मिश्रा जी एक लिंक का नाम है। चलो अब मैं हेल्प कर देता हूं, क्योंकि आपने मेहनत की, जो मैं हेल्प कर देता हूं, ठीक है। जल्दी से याद रखिएगा, ट्यूनिस याद रखना, ट्यूनिस से टूनिसिया, ट्यूनिस से टूनिसिया। उसके बाद याद रखना मोगादिशु, 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 सोमालिया, मोगा, सोमालिया, मोगा। करेंसी क्या है? सोम। करेंसी क्या है यहां की? सोम। नाइजीरिया, बड़ा ही आसान है, अबूजा, नाइजीरिया, अबूजा, नाइजीरिया, अबूजा। सारे क्वेश्चन का आज पोस्टमार्टम करूंगा, ये वादा है दोस्तों। अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो छूटना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ही शानदार। अगला, अब थोड़ा एक बड़ा प्यारा सा स्टैटिक है, आंध्रा बैंक का मुझे बताओ जल्दी से टैगलाइन क्या है, आंध्रा बैंक का टैगलाइन क्या है, मुझे बताओ जरा जल्दी से। देखो तो भाई, सभी लोगों को ग्रुप मिल गया है, जल्दी से वहां पे एक बार जुड़ जाइए, बिल्कुल जुड़ जाइए। कुछ भी डाउट है ग्रुप में डालो, कुछ भी डाउट है ग्रुप में डालिए, मोस्ट वेलकम। आंसर, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ आंध्रा बैंक, याद रखना, बड़ा ही शानदार है। उसका नाम है वेयर इंडिया बैंक, वेयर इंडिया बैंक। अच्छा मुझे बताओ जरा जल्दी से आप लोग, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग ये किसका है, ए फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन ये किसका है, या मुझे बताओ योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ये तीनों जो टैगलाइन है ये कौन से बैंक के हैं, मुझे बताओ जरा जल्दी से। बहुत ही शानदार, आन बान शान की लड़ाई है दोस्त, गलती नहीं, सारे क्वेश्चन को बनाऊंगा आज। बहुत ही, देखो एक आ तो गया भाई, ये जो है ये बैंक ऑफ इंडिया का है, बिल्कुल सही, एक तो आ गया। वेरी नाइस, बहुत ही सारा। बेटा अभिनव श्रीवास्तव जी, टेंशन नहीं लीजिएगा, देखो जो हो रहा है उसको होने दीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, जो हम कर सकते हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, जो हो कर सकते हैं उस पर हम लोग को क्या करना है बेटा, फोकस करना है। देखो बहुत सारे आंसर आ भी गए, बहुत ही शानदार। बेटा याद रखना, ये बैंक विजया बैंक था, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया, जो कि बेटा बैंक ऑफ बड़ौदा में बेटा मर्ज हो गया। बेटा श्रवण कुमार, आज का सेशन करो, गारंटी, कुछ क्वेश्चन लड़ेंगे गारंटी, देखना कुछ क्वेश्चन लड़ेंगे बिल्कुल गारंटी। तो यहां हम लोग ने सभी लोगों को बात कर लिया, बहुत ही शानदार। सेशन को जहां तक हो सके बेटा एक बार शेयर कर दो, सभी लोगों को बेनिफिट हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका आंसर हमारा हो गया ए, वेयर इंडिया बैंक इज द राइट आंसर, जो कि है आंध्रा बैंक का टैगलाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन हॉकी प्लेयर ध्यानचंद्र,
मुझे बताओ जरा, बहुत फेमस कहते हैं हॉकी का जादूगर था ध्यानचंद, और इनकी याद में हम लोग को याद होगा हर साल 29 अगस्त को, जो कि इनका बर्थडे है, पता होगा आप लोगों को। मनाते क्या है दोस्तों? तो मनाते हैं बेटा स्पोर्ट्स डे। क्या मनाते हैं? स्पोर्ट्स डे, जिस दिन इनका बर्थडे है। तो बताना है आपको इनकी बेटा ऑटोबायोग्राफी का नाम बेटा क्या है। बेटा राइजिंग स्टार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो याद रखना यहां उसका नाम क्या है, उस बुक का नाम है जो इनकी ऑटोबायोग्राफी, इनका नाम है बेटा गोल। गोल इज द बेटा राइट आंसर, ठीक है। अब जरा समझना ध्यान से, कहते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। उनके जन्मदिन को 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं हॉकी का जादूगर ध्यानचंद की आत्मकथा का शीर्षक है गोल, ठीक है, और जो कि 1952 में बेटा पब्लिश हुआ था। एंड द लास्ट में 3 दिसंबर 1979 को इनका निधन हो गया और ये हमारे बीच में से चले गए। ओके, अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जनवरी में। प्रवासी बेटा जय जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम, राधे राधे। बहुत ही शानदार बेटा, अभिषेक गुप्ता जी, श्रवण, मणिदीपा बेटा, मधु, उंडला दास, आरोही, प्रतीक, विनीत, प्रतिभा, आयु श्रीवास्तव, बेटा बहुत ही शानदार, वेरी गुड। आज सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आज तर्कस में बहुत सारे तीर हैं, जीतना है हम लोगों को। तो याद रखना हर साल 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, या इसको हम लोग कहते हैं एनआरआई डे। क्या कहते हैं? एनआरआई डे। मुझे बताओ जरा जल्दी से, 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? मुझे बताओ जरा जल्दी से, मुझे बताओ जरा जल्दी से। 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? मुझे बताओ जरा जल्दी से। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? ये मत कहना गणतंत्र दिवस, उसके अलावा क्या मनाते हैं मुझे बताओ जरा जल्दी से। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मुझे बताओ जरा जल्दी से। 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? बहुत ही शानदार, बहुत सही, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। याद रखना 10 जनवरी को मनाते हैं क्या? वर्ल्ड हिंदी डे। 25 तारीख को क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे। और याद रखिएगा 26 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड कस्टम डे। ओके, बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। ओके, अगला, बड़ा ध्यान से इसको जरा समझना। क्वेश्चन हमारा ये है, आपको बताना है कि जो सोरा है वो कहीं का पार्लियामेंट का नाम है, जैसे हमारे यहाँ नहीं लोकसभा राज्यसभा कहते हैं, तो आपको बताना है कि जो सोरा है वो कहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अल्बानिया। ओके, और साथ में ये भी बताना है आपको कि अल्बानिया की का जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है। अल्जीरिया का मुझे बताओ पार्लियामेंट का नाम क्या है। अंडोरा याद रखना, भी हाल ही में 190 नंबर की कंट्री है बेटा, जो ऐड हुई है, पता होगा आपको कहाँ पर, आईएमएफ में ऐड हुई है, और जिसका कि हेडक्वार्टर बेटा याद रखना वॉशिंगटन डीसी में है दोस्त, और ये बना था 1945 में। ओके, उसके बाद मुझे बताओ अंगोला का पार्लियामेंट का नाम क्या है, अर्जेंटीना, एंड द लास्ट वन ऑस्ट्रेलिया। मुझे बताओ जरा जल्दी से, देखे भाई धुरंधरों कितना दम है। बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, ताबड़तोड़ बैटिंग। आप चाहोगे तो सेशन बहुत तक बेटा पहुंचेगा, नहीं चाहोगे नहीं पहुंचेगा, मुझे देखना है कि आपकी ताकत क्या है। अगर मैं इतना मेहनत कर सकता हूं आपके लिए, तो आपका तो भाई इतना मेहनत बनता है दोस्त, कर दो, हर जगह फैला दो। आज थर्सडे को 7:30 पर ताबड़तोड़ कॉम्पिटिशन होता है स्टैटिक का दोस्तों, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। बहुत शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। चलिए मैं हेल्प कर दे रहा हूं, मैं हेल्प कर देता हूं बेटा। कांग्रेस याद रखना बेटा, कांग्रेस यूएसए, कांग्रेस बेटा यूएसए, जैसे हमारे यहां लोकसभा वहां कांग्रेस, सीनेट कहते हैं। टोटल 100 सीटें होती हैं, पता होगा। बेटा बहुत ही शानदार, देखो आंसर भी आ गया। अभिषेक सिंह गुप्ता जी ने कहा अफगानिस्तान, लेकिन उसके बाद आंसर नहीं आ रहा है।
आसान सभी ने मार दिया यार, बिल्कुल याद रखना, जो 16 है दोस्त वो याद रखना, वो कहाँ का है दोस्त? अफगानिस्तान का। कहाँ का है? अफगानिस्तान का। अच्छा मुझे बताओ यहां की कैपिटल क्या है दोस्त? तो पता होगा भाई, काबुल हो गई, ठीक है। और याद होगा यहां की जो करेंसी बेटा होती है उसको हम लोग अफगानी कहते हैं। एक गाना भी था याद करो, दैट इज कॉल्ड अफगानी। अब मैं हेल्प कर देता हूं, अल्बानिया पीपल्स असेंबली के नाम से जाना जाता है, वहां का पार्लियामेंट नेशनल पीपल्स असेंबली याद रखना, यह जाना जाता है अल्जीरिया में। जनरल काउंसिल ये जाना जाता है अंडोरा में। नेशनल पीपल्स असेंबली याद रखना, दोनों कॉमन है, अंगोला भी कॉमन है और याद रखना बेटा अल्जीरिया भी कॉमन है। नेशनल कांग्रेस कहा जाता है कहां पर? अर्जेंटीना में। एंड द लास्ट वन फेडरल पार्लियामेंट, ये कहा जाता है बेटा कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। एक मैं आपको टास्क दे रहा हूं सभी लोगों को, करना क्या है सभी लोगों को, ये जितनी भी कंट्री आपको सामने दिख रही है उन सभी का मुझे बताना है आपको कैपिटल और करेंसी। बट यहां बताना है इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है इन सारी कंट्रियों का कैपिटल और करेंसी, लेकिन अभी नहीं बताना है, सेशन खत्म होने के बाद कहां पर? कमेंट सेक्शन में। ओके अगला क्वेश्चन जल्दी से, बड़ा ही आसान। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, रोम इटली में है, मैड्रिन स्पेन में है या लंदन यूके में है? संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, रोम, मैड्रिड या लंदन? व्हाट इज द बेटर राइट आंसर मुझे बताओ जरा जल्दी से। राहुल भाई गाना गाना नहीं देना, भी ठीक है बेटा, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार, मजा आ गया रियली। चलिए चलिए अब जरा समझना ध्यान से, जरा पोस्टमार्टम किया जाए। अच्छा हम सभी को पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और अगर मैं बोलूं जो बहुत फेमस है WHO, उन दोनों का कहां पर है दोस्तों? तो ए जिनेवा में है। अगर मैं कहूं WTO में वर्तमान में कितने मेंबर है दोस्तों? हम कहेंगे 164 मेंबर हैं। और इसमें कितने हैं दोस्तों? तो हम कहेंगे 194 मेंबर हैं। हम सभी को पता है इस वर्ष का जो नोबेल का बेटा पीस प्राइज है, जो नोबेल का पीस प्राइज है वो मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जिसका की हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा? रोम इटली में। याद रखना UNWTO का कहां पर है बेटा? स्पेन की मैड्रिड में। ओके पूरा बेटा आज पोस्टमार्टम करूंगा, गारंटी है, बस भरोसा रखना और पूरा सेशन देखना। जिसने पूरा सेशन देख लिया उसको लास्ट में प्रसाद जरूर मिलेगा, वादा है, ठीक है। अगला, बड़ी प्यारी बच्ची है, दिख रही होगी आपको, आपको बताना है मणिपुरी गर्ल, ये मणिपुर की रहने वाली, जिनका नाम है लिसराम सारिका देवी। लिसराम सारिका देवी आपको बताना है यह कौन से गेम से रिलेटेड है, यह बेटा कौन से गेम से बेटा रिलेटेड, आपको यही बताना है। व्हाट इज द राइट आंसर? वेरी नाइस बेटा आरोही, वेरी गुड, कीप गोइंग ऑन, धीरे धीरे आप बेहतर होते चले जा रहे हो, वेरी गुड। शिवेंद्र शुक्ला जी बेटा वेरी नाइस, प्रगति, सूफिया, फारूक जी, शिवेंद्र, अभिषेक सेन गुप्ता, प्रतीक मिश्रा, कुंदन बेटा वेरी नाइस, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। मैं हमेशा कहता हूं जिस दिन इस सेशन को 200 प्लस लोगों ने देख लिया, मैं वादा करता हूं 2 दिन नहीं 4 दिन आऊंगा, बट इतना आपको करना पड़ेगा जल्दी से, क्या पता आज हो जाए तो मैं आज से ही कमिटमेंट करूंगा। अच्छा बहुत लोगों ने कह दिया हॉकी प्लेयर है, एक खास बात इनके साथ है, जिस दिन इनका बर्थडे है उसी दिन मैरी कॉम का भी बर्थडे है, याद रखना, जिस दिन इनका बर्थडे है उसी दिन याद रखना मैरी कॉम का भी बर्थडे, ऐसे याद रखना। और ये किससे रिलेटेड है? बॉक्सर से। और मैरी कॉम किससे रिलेटेड है बेटा? बॉक्सर से, ठीक है। अगला बहुत ही शानदार, आपको बताना है फिक्की में पहला आई और दूसरा सेकेंड सी, ओ माय गॉड, यानी आपको बताना है इसका फुल फॉर्म और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ही शानदार। फिक्की में ऐसे क्वेश्चन कभी देखे हो? फिक्की में पहले आई का फुल फॉर्म और दूसरे सी का मुझे बताओ जरा जल्दी से फुल फॉर्म क्या होता है बेटा। पूनम गुड इवनिंग, बहुत ही शानदार बेटा।
यस देखो एक और भी नहीं अच्छी न्यूज आ गई। विनीत ने कहा इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन का कहां पर है बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने, यूके लंदन में है। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। बहुत ही शानदार। बहुत ही शानदार, वेरी नाइस। अब जरा मैं बताता हूं, सुनिएगा जरा ध्यान से। इसका फुल फॉर्म तो एक्चुअली ये है, याद रखना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखना, मिस्टर उदय कोटक, सॉरी उदय शंकर, मिस्टर उदय शंकर, याद रखना, इसके वर्तमान में क्या है बेटा, इसके वर्तमान में हेड है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वो डिज्नी से बिलोंग करते थे, ठीक है। अगला, बहुत ही फेमस सीता माता, गलती नहीं करना भाई, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। बड़ा ही प्यारा भाई, सीता माता गुजरात में बिलोंग करता है, राजस्थान में बिलोंग करता है, महाराष्ट्र में बिलोंग करता है, बिहार में बिलोंग करता है, याद रखना। और इसमें एक और भी बता देता हूं, यह अभी एक्टिव नहीं है, यह क्लोज हो चुका है। जिसने पूरा सेशन देखा उसको लास्ट में भंडारा दूंगा, उसको लास्ट में देखना, प्रसाद मिलेगा गारंटी। इतनी मेहनत करना हूं आप लोगों के लिए, गारंटी है दोस्त। इस बार का चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे बैंक हो, इस बार जॉब लेना है एनी हाउ। बहुत ही शानदार। तो याद रखना इसका आंसर हमारा हो गया राजस्थान। कहते हैं ये जो मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बेसिकली अब म्यूजियम के रूप में यूटिलाइज होता है, बंद है, एक्टिव नहीं है, ठीक है। अगला, तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन आपको बताना है कौन से स्टेट में है दोस्तों। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, 90 लोग देख रहे हैं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा अगर जोर लगा दोगे तो ये जो 90 है ये बहुत जल्दी 900 हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा आप लोगों पर है दोस्त। वेरी नाइस बेटा, बिहार नहीं, राजस्थान इज द राइट आंसर। तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, कर्नाटका में है। तो याद रखना बेटा, ये जो है ये है उड़ीसा में, जहां पर चिल्का झील है, याद रखना। चिल्का झील इंडिया की सबसे, विश्व की सबसे खारे पानी वाली झील, चिल्का झील भी उड़ीसा में ही है दोस्तों, याद रखना, जिसको हम लोग रामसर साइट भी कहे हैं। याद रखना जो तालचेर पावर प्लांट है दोस्तों, ये बेसिकली कोल फायर्ड है। कहते हैं या तो कोल होगा, या तो पेट्रोलियम होगा, या तो न्यूक्लियर होगा। तो याद रखना ये बेटा कोल थर्मल स्टेशन है, जो कि अंगुल डिस्ट्रिक्ट एक वहां पड़ता है उड़ीसा में, उसमें बसा हुआ है ये तालचेर पावर प्लांट। भाई देख लेना, जिनका भी एग्जाम एसएससी का है ये मेरा वादा है, जिनका भी एग्जाम बेटा एनटीपीसी में है ये मेरा वादा है, गारंटी से क्वेश्चन लेंगे, मेरा पूरा भरोसा है। यस बेटा, चिल्का वॉज फर्स्ट रामसर। अच्छा मुझे बताओ जरा जल्दी से, इंडिया में कितने रामसर साइट, मुझे बताओ जरा जल्दी से, इंडिया में कितने रामसर साइट हैं, मुझे बताओ जरा जल्दी से, इंडिया में कितने रामसर साइट हैं बेटा। वेरी नाइस, देवत्रा, रोहित युधवंशी, युधवंशी जी, मनदीपा बेटा, सौरभ रॉय, प्रगति अग्रवाल, अंजलि दास बेटा, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। आन वान और शान की लड़ाई चल रही दोस्तों, दौड़ते बहुत लोग हैं रेस में, दौड़ते बहुत लोग हैं रेस में, जीतता वही है, जीतता वही है जो बहुत एक्टिव है। तो याद रखना इंडिया में टोटल जो रामसर साइट हैं वो याद रखना, टोटल रामसर साइट याद रखना, 42 इज द राइट आंसर, ठीक है, बहुत ही शानदार। अगला, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने पहली बार हमारे देश में हेपेटाइटिस सी पेशेंट को ओरल मेडिसिन दिया, मतलब बेसिकली ऐसे तो उसकी वैक्सीन लगती है बट गोली दिया गया, ऐसा स्टेट कौन सा है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या तेलंगाना। याद रखना यह 2017 में कारनामा किया गया था,
2017 में बेटा याद रखना है ये कारनामा किया गया था। जरा सोचो, मेडिसिन हाथ से ही खिला दिया गया दोस्तों हेपेटाइटिस सी पेशेंट को, बड़ा ही आंसर। ओके बेटा आरोही, बिल्कुल जैसे नेशनल पार्क याद करवाया हूं ना, इसको भी करवा दूंगा। राम से बेटा याद रखना प्रतीक, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है जिसको हम लोग रामसर साइट कहते हैं, मैं करवा दूंगा इस पे, बिल्कुल नहीं टेंशन नहीं लेना, बहुत ही शानदार। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को मिल रहा है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कुछ भी डाउट है, जो भी टॉपिक वीक है वहां पे डाल दीजिए, ठीक है, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। अब जरा आंसर देख लो, उस स्टेट का नाम है दोस्तों हरियाणा, याद रखना। हरियाणा बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ट्रीट हेपेटाइटिस सी पेशेंट विद ओरल मेडिसिन, यानी कि गोली खिलाई थी भैया उसने। अगला, क्या हवेली है दोस्तों, ये हवेली नहीं ये कंट्री है, और उस कंट्री की जो कैपिटल है याद रखना उसका नाम है वेलेटा। क्या नाम है दोस्तों? वेलेटा। आपको बताना है जो वेलेटा है ये कंट्री की कैपिटल कौन सी कंट्री है, बोलीविया, बेलारूस, माल्टा या सोमालिया। यस बेटा बिल्कुल सही बोला विनीत मिश्रा जी, आपने बिल्कुल सही बोला, वेलेटा इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, बोलीविया, बेलारूस, माल्टा, सोमालिया, व्हाट इज द राइट आंसर। वेरी नाइस यार, यार देख बहुत लोग रहे हैं, एक बार लाइक भी कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक का कोई पैसा नहीं है। चलिए आगे बताओ, तो याद रखना यह माल्टा है, माल्टा एक याद रखना एक यूरोपियन कंट्री है बेटा, माल्टा बड़ा ही छोटा सा प्रदेश है, कंट्री है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ पेरू, आपको बताना है कि पेरू कहां की मुद्रा है, सॉरी पहला क्वांजा, दूसरा सोल, तीसरा डोंग और चौथा किम, जो पेरू की मुद्रा आपको बताना है क्या है। याद रखना पेरू की कैपिटल लिम्बा है, बगल में इक्वाडोर है, बगल में देखो बोलीविया है ना, तो याद रखना पेरू की जो मुद्रा है दोस्त वो सोल है, और याद रखना डोंग वियतनाम की है, बाकी मुझे आप बता दो कि क्वांजा कहां की है और किम कहां की है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वन, यस बेटा श्रवण, थैंक यू। अगला, वॉलमार्ट इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन विच सिटी, वॉलमार्ट इंडिया ने अपना पहला पूर्ति केंद्र लॉन्च किया भारत के किस शहर में, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई या दिल्ली। याद होगा कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी रिटेल चेन है जिसका नाम बेटा वॉलमार्ट है, और आप लोग अगर जानते हैं तो मैं बता रहा हूं आपको, जो वॉलमार्ट में बेसिकली जो ऑनर है इंडिया में, फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, उसका ऑनर है ये। अगला, विच इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड एज द थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस संस्थान को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, आरबीआई बेटा, नीति आयोग, फिक्की या सेबी। याद रखना सेबी बना पहली बार 88 में, बट इसको अधिकार मिले 1992 में, इसी 1992 में बेटा याद रखना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना भी की, जिसका वर्तमान में एक इंडेक्स है जिसको हम लोग कहते हैं दोस्त निफ्टी, और याद रखना इस निफ्टी में दोस्त इंडिया के 50 टॉप कंपनी शामिल हैं। आरबीआई की बात करते हैं तो याद रखना बेटा 1926 में बेटा कमिटी बनी, 34 में बेटा एक्ट पारित हो गया, 35 में ये एक्टिव हो गया, और 49 में याद रखना इसका कर दिया गया राष्ट्रीयकरण। तो याद रखना हमारे देश में एक संस्था है जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था जिसका नाम है नीति आयोग, जिसकी स्थापना हमारे देश में याद रखना 2015 में हुआ था। इसका बेटा हेड याद रखना हमेशा पीएम होता है, और अभी वर्तमान में मिस्टर राजीव कुमार इसके वाइस चेयरमैन हैं। बहुत ही शानदार बेटा, वेरी नाइस। सुप्रिया, पूनम, आरोही, विनीत मिश्रा, सागर महतो, प्रगति बेटा, अभिषेक सेन गुप्ता, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, बहुत ही शानदार बेटा, वेरी नाइस। ख्याति, उसके बाद सत्यम, आप सभी का सही आ रहा, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड।
चलो अगला, वर्तमान में यूनेस्को के हेड कौन हैं? इरीना बोकोवा, ऑन्ड्रे एजोलो, हलीमा योकोब या जेसिंडा अड्रेन? यूनेस्को मतलब होता है क्या? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग यूनेस्को कहते हैं। पेरिस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है बेटा। बेटा सर्वन टेंशन मत लेना, कमजोर उस वो नहीं जिसे दुनिया कमजोर कहें, कमजोर वो जो खुद को कमजोर मान ले, और हम लोग कमजोर नहीं है बिल्कुल। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन गारंटी होगा। तो याद रखना, एंड्रू अजोले वर्तमान में यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है बेटा, ठीक है। अगला, अच्छा बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मुझे बताओ जल्दी से, ये तो बताओ कि सीईओ कौन है फ्लिपकार्ट का, मुझे बताओ जरा जल्दी से कि फ्लिपकार्ट का जो ऑनर कंपनी है वो कौन है, मतलब जो फ्लिपकार्ट का मेन कंपनी ऑनर वो कंपनी कौन है। बेटा सिमरन यादव, हाँ बेटा ये वीडियो हमेशा रहेगा, आप याद रखना बेटा यूट्यूब पे ये बेटा हमेशा रहेगा बिल्कुल। हाँ निधि, आज सवेरे की क्लास नहीं हो पाई थी कुछ कारण से, उसका कसर अभी पूरा कर रहा हूं, याद रखना। ओके, उसकी हेड कौन है पहले देख लेते हैं। हेड हमारा याद रखना, उनका नाम है कल्याण कृष्ण मूर्ति, वर्तमान में याद रखना यह सीईओ के हेड हैं, पहली बात। दूसरा याद रखना, जो फ्लिपकार्ट है दोस्तों, वो हमारे देश में अगर मैं बोलूं उसकी बहुत सारी सब्सिडरी हैं, जरा समझो। एक मिंत्रा सुने होंगे आप, वो भी फ्लिपकार्ट की सब्सिडरी है। ई कार्ट वो भी सब्सिडरी है, फोन पे वो भी सब्सिडरी है। एंड साथ में याद रखना, इसकी जो मेन कंपनी है दोस्तों उसका नाम बेटा क्या है, तो याद रखना उसका नाम बेटा वॉलमार्ट है। ओके, अगला, चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। आपको बताना है कि जो चिल्का लेक है ये कौन से सिटी में है, कौन से स्टेट में। तो बहुत ही फेमस ये आंसर याद रखना, उड़ीसा में है। याद रखना बेटा, यह क्वेश्चन अभी हाल ही में कितनी बार पूछा गया है ये एसएससी में, और कितनी बार पूछा गया है बेटा ये रेलवे के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो याद रहेगा सभी को बेटा। सरेन शाह जी बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा, राइजिंग स्टार जी मेरी क्लास डेली होती है मॉर्निंग 11:30 पर, और उनके लिए जो स्टैटिक के प्रेमी उनके लिए होती है मंडे और थर्सडे को 7:30 पर। कहते हैं चिल्का झील को हम लोग लैगून कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यह खारे पानी का एक अलग ही उथला भाग होता है जो पानी के एक बड़े भाग से अलग होता है, ठीक है। याद रखना 223 किलोमीटर में इसका बेटा पूरा फैला हुआ है, और याद रखना यह दो प्रदेश पुरी और सतपड़ा से होके गुजरती है। उड़ीसा इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला, हिमाचल प्रदेश में नाथपा झागरी बांध, वेरी यूनिक नेम, हिमाचल प्रदेश में नाथपा झागरी बांध, आपको बताना है कौन सी नदी पर बना हुआ है, उसका नाम बेटा क्या है। गोदावरी नदी है, सतलज नदी है, सिंधु नदी है, या चिनाब नदी है, व्हाट इज द राइट आंसर बेटा। नाथपा झांगरी डैम, अभी मैं एक दिन क्या करूँगा, मैं इंडिया के जितने भी फेमस डैम हैं मैं उनको एक छोटा सा ट्रिक सेशन लेके आप लोग को डाल दूंगा, याद कर लेना आप लोग, ठीक है बेटा। वेरी नाइस सोनम, अरोही, सौरभ, पूनम, यानी कुछ बंगाली में नाम लिखा मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जगन्नाथ, शैलेंद्र बेटा, सागर जी, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। चलो तो याद रखना सतलज नदी पे बना हुआ ये डैम है, कहते हैं देखो यही डैम है जो सतलज नदी पे बना हुआ डैम है। इस डैम की जो हाइट है दोस्तों याद रखना वो 67.5 मीटर है, यानी कि इसकी जो हाइट है दोस्तों वो है 67.5 मीटर, और इसकी जो बेटा चौड़ाई है
लेंथ अगर याद रखना वो कितनी है दोस्तों, 180 मीटर है। ठीक है, चलो अगला बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। मुदी येतु एक बहुत फेमस ट्रेडिशनल फोक डांस है। आपको बताना है ये कौन से इंडियन स्टेट का बहुत फेमस डांस है। मुदी येतु, तो याद रखना बेटा ये जो डांस है ना, ये डांस है केरला का। ये कहाँ का है बेटा? केरला का। और जरा समझते हैं, कहते हैं यह एक रिचुअल डांस है, एक ड्रामा है जो केरला में है, जो कहते हैं एक मैथोलॉजिकल है कि एक बैटल हुआ था बिटवीन द गॉडेस काली एंड डैमन दारिका के बीच में, उसको ये मनाते हैं। मीन्स वहाँ की जो देवी काली थी और दानव दारिका के बीच में एक ये ट्रेडिशनल लड़ाई हुई थी, उसको लेके मनाते हैं मुदी येट्टू, जो कि बेटा केरला में है। याद रखना केरला एक ऐसा प्रदेश अभी वर्तमान में जहाँ पर पूरे स्टेट में याद रखना इंटरनेट को फ्री कर दिया गया है। इंटरनेट को बेटा क्या कर दिया गया है? फ्री करने वाला ये पहला स्टेट बना है। साथ में याद रखना यहाँ पर अगर बेटा आपको आईएएस की पढ़ाई करनी है तो सरकार पूरा आपको स्कॉलरशिप भी देगी 10,000 रुपीज। ओके, अगला वेरी फेमस बुक, द बुक नेम वॉर एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर। यह कश्मीर में बड़ी फेमस चर्चा में बुक रही थी, द बुक वॉर एंड डिप्लोमेसी। इसमें बताया गया था कि कश्मीर में कैसी गवर्नमेंट है, क्या वहाँ के हालात हैं। कुछ दिनों बाद इसको बैन भी कर दिया गया था। तो इसके राइटर बेटा नाम क्या है मुझे बताओ बेटा। श्रवण कुमार जी, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं पूरा आशीर्वाद है बेटा। अमर मानी प्रजापति जी, कुछ रीजन हो गया जो क्लास नहीं दे पाया। ठीक है बेटा, तमिलनाडु। ठीक है ख्याति, अगला तो याद रखना सी दास गुप्ता जी ने इस बुक को लिखा था, वॉर एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर। ओके अच्छा मुझे बताओ, बड़ा ही प्यारा या क्या खूबसूरत था स्टेट वो है एयरपोर्ट जिसका नाम है कैंपोगोरा। कैंपोगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है। मुंबई में है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है या चेन्नई में है। वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार। एक बार सबको दबा के लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सभी लोग पहुंचा दो। चलो जरा देखना, समझना, इसका आंसर नहीं मिला क्या? हाँ आंसर तो मिल गया, बेंगलोर इज द राइट आंसर। ठीक है अगला, वर्ल्ड टीचर्स डे। भाई गलत मत करना, इज्जत की बात है। वर्ल्ड टीचर्स डे हम लोग कब मनाते हैं? जैसे 5 सितंबर को मनाते हैं नेशनल टीचर्स डे। क्या मनाते हैं? नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को बेटा मनाते हैं। आपको बताना है कि वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाते हो। जरा इस बार का थीम देखना, 2020 में जो सब मनाया उसका थीम क्या था? टीचर लीडिंग द क्राइसिस रिडिफाइन द फ्यूचर। आपने देखा इस COVID-19 के केस में पढ़ाई नहीं रुकी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत ही शानदार, देखो ये किसी का गलत नहीं होगा, यह किसी का गलत नहीं हुआ, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, मजा आ गया रियली यार। कौन कहता है कि हम कमजोर हैं? और मुझे लास्ट में बताना आप लोग कि आपके स्कोर कितने हैं आउट ऑफ 45 बेटा। बेटा सिमरन राघव जी, आप मुझे टेलीग्राम में पूछो, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, आपकी भावनाओं का ख्याल है यार। ठीक है चलो, तो याद रखना ये मनाते हैं बेटा 5 अक्टूबर को। ठीक है अगला, बड़ा ही आसान, प्रथमा ग्रामीण बैंक जो इंडिया का, याद रखना बेटा फर्स्ट RRB है, हमारे देश का फर्स्ट RRB है जिसका नाम है प्रथमा ग्रामीण बैंक, उसका स्पॉन्सर बैंक बेटा कौन? याद रखना हमारे देश में 2 अक्टूबर को 5 RRB बनाए गए थे, रीजनल रूरल बैंक। याद रखना इन 5 में जो फर्स्ट बेटा था
उसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक, जो कि याद रखना यूपी वाले, यूपी में बेटा याद रखना, मुरादाबाद में बनाया गया था। और इसका जो स्पॉन्सर बैंक था बेटा वो सिंडिकेट बैंक है। यही सिंडिकेट बैंक याद रखना, अभी वर्तमान बेटा याद रखना कैनरा बैंक में मर्ज हो गया। मर्ज कब हुआ? यह 2000 बेटा 20 में मर्ज हो गया। पहली बात याद रखना। दूसरी बात याद रखना कि आरआरबी में जो शेयर्स होते हैं ना, यानी किसका किसका हिस्सा है याद रखना, सबसे ज्यादा होता है 50%, वो किसका होता है बेटा? वो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है? याद रखना सबसे कम जहां पर स्टेट होगा यानी कि स्टेट का होगा, और याद रखना उसी आरआरबी में जो 35% है उनका होगा जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है बेटा। दिस इज कॉल्ड बेटा स्पॉन्सर बैंक, ठीक है? क्या क्या डेटा यहां से कवर हुआ? इंडिया का पहला आरआरबी प्रथमा ग्रामीण बैंक, उसका स्पॉन्सर सिंडिकेट बैंक, उसमें किसका शेयर सबसे ज्यादा होता है? भारत सरकार का। 2 अक्टूबर 1975 को देश में 5 आरआरबी बने। पहला आरआरबी कहाँ बना? यूपी के मुरादाबाद शहर में बना। जो लास्ट तक रुकेंगे उनको प्रसाद मिलेगा, गारंटी, टेंशन नहीं लेना। अगला बड़ा ही शानदार निचिगिन, बड़ा ही प्यारा नाम है निचिगिन, फॉर शॉर्ट इज द निक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। आपको बताना है निचिगम एक शॉर्ट नेम है, निक नेम है, कौन से बैंक का ये शॉर्ट नेम है? बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ कैनेडा या बैंक ऑफ चाइना? वॉट इज द राइट आंसर बेटा? वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। याद रखना दिस इज कॉल्ड बेटा बैंक ऑफ जापान, यानी कि बैंक ऑफ जापान जो कि जापान टोक्यो में है, इसी का भी एक नया नाम है ये, ठीक है? याद रखना एक बार ये एग्जाम पूछा गया था एमटीएस के एग्जामिनेशन में। ओके, होरिंगो कुरुडा इसके गवर्नर हैं, ये सेंट्रल बैंक है कहाँ का? जापान की। जापान में करेंसी क्या चलती है बेटा? येन चलती है, ठीक है? अगला बड़ा ही प्यारा, बैंक वाले दे देंगे सारा आंसर, देखना गारंटी, बाकी भी देंगे पूरा भरोसा है। इन सरफासी एक्ट, आपको बताना है आर का फुल फॉर्म क्या होगा? याद रखना दोस्त हमारे देश में अगर आप लोन टाइम पे नहीं चुकाओगे तो बैंक का होता है बेटा एनपीए। जैसे ही बेटा 90 डेज पूरा होगा, जैसे ही बेटा 90 डेज पूरा होगा, याद रखना इंडिया में जिसने भी आपको लोन दिया है, चाहे वो बैंक हो या चाहे वो याद रखना एनबीएफसी हो, सभी को सभी डिक्लेयर कर देंगे क्या? एनपीए। उस एनपीए को रिकवर करने के लिए, याद रखना बेटा रिकवर करने के लिए 2002 में सरकार ने कानून लाया जिसका नाम हुआ सरफासी। ऐसे याद रखना, एनपीए को रिकवर करने के लिए मिली सरफासी यानी कि फांसी। ओके, जिसका फुल फॉर्म देखिए बड़ा यूनिक है, देख लेना, सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, दिस इज कॉल्ड बेटा फुल फॉर्म ऑफ सरफासी। ओके, बहुत ही शानदार। बराक घाटी किस राज्य में स्थित होगा? आज के क्वेश्चन देख लग रहे होंगे सर क्वेश्चन आज कहां से लाए हैं, बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अब पूरा बताना मुझे लास्ट में कि आपका स्कोर कितना आया आउट ऑफ 45। बराक वैली कहां पर सिचुएटेड है? जो बराक वैली है आपको बताना है वो बेटा कहां पर सिचुएटेड है? आसाम, बिहार, चंडीगढ़ या हरियाणा? बड़ा ही आसान, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। पानी भी जरूरी है।
तो बिल्कुल याद रखना, ये आसाम का है। कहाँ का? आसाम का है। जरा इसको देख लेते हैं। कहते हैं जो बराक वैली है इज लोकेटेड बेटा इन साउदर्न रीजन ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ आसाम, यानी आसाम में है। कहते हैं एक मेन सिटी है, मेन सिटी ऑफ द वैली इज सिलचर, याद रखना सिलचर। द रीजन ऑफ नेम आफ्टर बराक रिवर, यानी कि यहां पर बेटा बराक रिवर भी चलती है, वो भी याद रखना। द बराक वैली मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, नेमली काचर, करीमगंज एंड हेलाकंडी बोराई सांदार। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ कंट्री सोमालिया, आपको बताना है सोमालिया की करेंसी क्या है, इनमें से कौन सा देश सोमालिया की मुद्रा है, सोमाली डॉलर, सोमाली पाउंड, सोमाली सिलिंग या सोमाली रुबेल, व्हाट इज द बेटर राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर। What is the better right answer? Team like and share everywhere. तो याद रखना सिलिंग बहुत फेमस है, सिलिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, आप थोड़ा दिमाग चकरेगा, ठीक है। आपको बताना है फर्स्ट इंडियन एंड ब्रिटिश हाउस उसका नाम क्या, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पहले मेंबर थे भारतीय उनका नाम क्या है। भाखरा नागल डैम, बताओ मुझे जल्दी से, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। कौन सी नदी पर बना है, ये सारे क्वेश्चन अब याद रखना जो एग्जाम में भी लेटेस्ट में आए हैं, मैं वो अब कराऊंगा, ठीक है, तैयार हो जाओ। जो लास्ट तक रहेगा उसको प्रसाद मिलेगा, प्रसाद स्टार्ट हो चुका है। भाखरा नागल डैम बताओ जल्दी से कौन सी नदी पर बसा हुआ है, और साथ में फर्स्ट इंडियन कौन है जो कि ब्रिटिश हाउस में चुने गए थे, उनका नाम क्या है। यस बेटा, नोट पर लिखा हुआ है, याद रखना, बहुत ही फेमस, दादा भाई नरोजी, याद रखना, जरा समझ लो इसको, दादा भाई नरोजी 4 सितंबर 1825 को पैदा हुए और 30 जून 1917 को दुनिया से विदा ले लिए, जिनको हम लोग ऑल्सो कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, याद रखना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं किनको, दादा भाई नरोजी को। एन अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, वॉज एन इंडियन स्कॉलर, ट्रेडर एंड पॉलिटिशियन हु वॉज ए लिबरल पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP इन यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन बिटवीन 1992 और 1995 के बीच में चुने गए थे। बहुत ही शानदार दोस्तों। अगला, ओ माय गॉड, देखो यही चाइना की दीवार है, यही चाइना की दीवार है। आपको बताना है इस दीवार को किसके शासनकाल में बनवाया गया था, चीन की महान दीवार का निर्माण किस शासन में किया गया था। मैं आज कह रहा हूं ना, आज जो जिसने पूरा सेशन देखा, ये वादा है, देखना उसको बेटा प्रसाद जरूर मिलेगा, मिल रहा होगा, ये वादा है। जो क्वेश्चन देख रहे होगे आप सभी लोग, याद रखना इन महान भाव का जो नाम है बड़ा यूनिक नेम है, थोड़ा ध्यान से याद करिएगा, किन सी हुआ गंडी किन सी हुआ गंडी इज द बेटा राइट आंसर। यस बेटा सोनम, बिल्कुल सही बोला, इंडिया की लॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल डैम को भी भाखरा नागल डैम को कहा जाता है बेटा। बहुत ही बेटा शानदार, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार, वेरी नाइस। अच्छा, बहुत लोगों ने कहा मिंग डायनेस्टी, रजत उस डायनेस्टी में बनाई तो गई थी, बट मैं पूछ रहा हूं राजा का नाम, समझना, डायनेस्टी तो बिल्कुल आपने सही बोली बट राजा का नाम क्या था यह इंपॉर्टेंट है। साने खान ने बिल्कुल सही बोला, किन सही हुगांडी। अगला मुझे बताओ जरा जल्दी से, चाबहार कहां पर है और इंडिया का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ATM कहां पर स्थापित किया गया था। देखना
ये जो छाबार है एक बहुत फेमस सिटी है, ठीक है। और ये देखो पीछे धर्म साहब, उन्होंने उद्घाटन किया था एटीएम, भारत का पहला पोस्ट ऑफिस एटीएम। बेटा होमवर्क नहीं निकला बेटा, वेरी नाइस, ईरान इज द राइट आंसर। यस बेटा बिल्कुल सही बोला, एक आंसर तो आ गया, छब्बार इन ईरान, ईरान में है छब्बार बेटा। बहुत ही फेमस डैम है, याद रखना, ये सॉरी सिटी है कहां पर, ईरान में। और याद रखना विशाखापट्टनम में देश का पहला एटीएम खोला गया, जो कि भारत का पहला पोस्ट ऑफिस एटीएम था, और ये ओपन हुआ था याद रखना 2014 को। ओके अगला, अब उनके लिए जिनका पॉलिटी बड़ा स्ट्रांग है, आज का प्रसाद, जिनका पॉलिटी बड़ा स्ट्रांग है वो इसका आंसर देंगे सही सही, जरा सुनिएगा ध्यान से। यदि राज्य विधानसभा में बजट प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया तो जरा मुझे बताइए क्या होगा, और मुझे बताओ ऐसा हमारे देश में कितनी बार हो चुका है। यह आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, यह आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। अगर बजट प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा सदन में तो क्या होगा, और यह अभी तक कितनी बार हमारे देश में हो चुका है। जिनका पॉलिटी स्ट्रांग होगा, या जिन्होंने एसएससी का पिछला पेपर दिया होगा, जिन्होंने रेलवे का पिछला पेपर दिया होगा, उसमें यह क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। तो याद रखना इसका बस एक ही मतलब होता है कि अगर आपका बजट सपोर्ट नहीं किया सदन में, मतलब आपकी सरकार खतरे में है। तो जैसे ये कभी होगा उस केस में क्या होगा, तुरंत आपको अपने कैबिनेट के साथ रिजाइन देना होगा, इस्तीफा देना होगा। और याद रखना ये अभी तक हमारे देश में एक बार भी नहीं हुआ है बेटा, एक बार भी नहीं हुआ, एक बार भी। ओके गॉट इट, याद रहेगा। अगला बड़ा ही प्यारा, प्रसाद मिल रहा है सभी लोगों को कि नहीं मिल रहा है, प्रसाद मिला ना लास्ट में, जो पूरा देखेंगे देखना उसको भी और कुछ मिलेगा। व्हीलर द्वीप कहाँ है ये बताओ, अरे मुझे बताओ व्यावसायिक रूप से ऊर्जा संसाधन का उपयोग किसमें किया जाता, कहाँ से किया जाता है, कॉमर्शलाइज यूटिलाइज एनर्जी रिसोर्स का माध्यम क्या है, मुझे बताओ जरा जल्दी से। चलो याद रखना, तो बेटा व्हीलर द्वीप है कहां पर है, जहां पर चिल्का झील है उड़ीसा में। और याद रखना सबसे बड़ा रिसोर्स है एनर्जी का, जिसको हम लोग कहते हैं ना गैस, उसको हम लोग बहुत इजीली कमर्शलाइज करते हैं, बेचते हैं। अगला, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है। दीपा कर्माकर एक बहुत फेमस लड़की है, आपको बताना है यह कौन से गेम से बेटा रिलेटेड है। तो याद रखना ये बहुत फेमस जिम्नास्टिक हैं, कहते हैं इन्होंने 2018 के वर्ल्ड चैलेंज कप में, याद रखिएगा, इन्होंने जो तुर्की में हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड जीता। उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ 2018 में, अगर आपको पता होगा उसमें इन्होंने क्या जीता बेटा, ब्रोंज जीता, जो कि बेटा जर्मनी में हुआ था। अब मुझे बताओ सभी लोग सेशन पसंद आया, याद हुआ। हाँ बेटा बिल्कुल सही बोला शेखर मोहपात्रा जी, उसको बेटा अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोलते हैं। तो आई होप सब कुछ पसंद आया होगा, कुछ भी डाउट होता है आप यहाँ डालो, और जो भी टॉपिक आपका वीक लगता है, जैसे आपको लगता है, जैसे किसी ने बोला कि सर रामसर पे सेशन लीजिए, ठीक है,
तो याद रखिएगा जो भी सेशन आप चाहते हो, जिस टॉपिक का भी, कुछ नहीं करना है, बस याद रखना इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है टॉपिक का नाम, जो आपका वीक पॉइंट है और कैसा आपका रहा सेशन और आपका आज का स्कोर कितना हुआ आउट ऑफ 45, मुझे आप वो भी बताओगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको समझ में आया होगा, फ़ायदा हुआ, अगर फ़ायदा आया हुआ होगा तो उसे एक बार ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताइए, और मुलाकात करेंगे कल टुमारो 11:30 पर। शानदार मार्च का मैं करवाऊंगा कल टुमारो 11:30 पर वीकली रिवीजन, तो याद रखना जिनको मार्च का रिवीजन करना है जुड़ जाना टुमारो 11:30 पर। ओके जी, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, एंजॉय करिए, थैंक यू।